की सोमानी जी को एक्स वाइस चांसलर मेडिकेप यूनिवर्सिटी इंदौर से। तो सर से अनुरोध है कि सार्वभौमिक मानव मूल्यों के संदर्भ में अपना अनुभव व मध्य प्रदेश के लिए निष्ठा के लिए जी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सर नमस्ते। सभी को नमस्ते। ये बड़ा अच्छा अवसर है जब राज्य आनंद संस्थान और AICTE के माध्यम से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के बारे में हम लोग 5 दिवस की एक वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं। जैसा अखिलेश जी ने पहले भी बताया कि हम लोगों ने इसके पहले भी वर्कशॉप किया है, उस समय काफी सीमित संख्या में हमने ये वर्कशॉप आयोजित किया था और आज हम अपने साथ में 125-150 साथियों को, 152 अभी मुझे दिख रहे हैं, तो 152 साथियों के साथ इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंद्रपाल जी भी हैं, गंगराड़े जी हैं, सत्यप्रकाश जी हैं और मेरे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के AICTE टीम के सभी साथी गण, जिसमें रजनीश जी जो हमको लीड करते हैं। इस पूरी वर्कशॉप में और ह्यूमन वैल्यू की जो UHV टीम है, इसमें सबसे अच्छी बात जो है, यहाँ सभी साधक खुद होते हैं, को एक्सप्लोरर हम बोला करते हैं इनको, कि सभी साथी एक प्रस्ताव के रूप में किसी चीज को लेते हैं और अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस से उसको परखते हैं, समझते हैं और उसके बाद में उसको मानना या नहीं मानना ये जरूरी नहीं है। आप अपने ऊपर उसको देखें, जो प्रस्ताव सही लगे उसको अपनाना है, बात करना है, आगे बढ़ना है। मैं यदि अपने बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैंने जब AIIT हैदराबाद में एक यात्रा की थी, जब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, तो वहां पे ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की चर्चा आई थी और तब मुझे समझ में आया था कि कुछ तो चीज अलग है जिसके कारण AIIT हैदराबाद जो है वो IIT के समकक्ष आ सका है। बाद में एक बार मुझे AK गर्ग कॉलेज में जाने का अनुभव रहा जो दिल्ली के पास में है और हम लोगों ने उन्हीं चीजों से प्रेरणा लेके मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में 2020 में जनवरी 13 से 19 एक फिजिकल वर्कशॉप, क्योंकि उस समय कोविड का कुछ भी ऐसा प्रकोप नहीं था, तो हमने फिजिकल वर्कशॉप अटेंड की थी और मैंने वाइस चांसलर होने के सारी जितनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी होती है उसके बावजूद ये विषय वस्तु इतनी अच्छी थी कि मैंने फिजिकली पूरे पूरे दिन 13 से 19 इसको अटेंड किया। कोविड ने हम लोगों को काफी प्रभावित किया, परंतु इसी कोविड के कारण जितनी भी ऑनलाइन वर्कशॉप्स हुई, जो शायद फिजिकल वर्कशॉप में हम उतने साथीगण शामिल नहीं हो पाते, आज भी आप देखें कि हम 150-152 लोग जो अटेंड कर रहे हैं वो सब वर्चुअल माध्यम से हैं। तो कोविड ने हमें ये सिखाया कि किस ढंग से हमें काम करना है और सब लोग अटेंड कर सकते हैं। फिजिकली शायद सभी 150+ साथी को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या कहीं पे भी आना इतना आसान नहीं था, परंतु ऑनलाइन माध्यम से हम इसको कर पाते हैं। इन 5 दिनों की वर्कशॉप में जो विषय रहेंगे उसको हमारे जितने रिसोर्स पर्सन हैं, आलोक जी हैं, उपासना दीदी हैं, कुमार भैया है, दिलशाद भैया है, नरूला जी हैं और भी बाकी साथीगण हैं, ये लेंगे जब आपको इस वर्कशॉप को, तो आपको एक चीज जो काफी अच्छी लगेगी, जिसको मैंने महसूस किया था,
जब मैं वाइस चांसलर के पद पे काम करता था तो मुझे ये लगता था कि कभी कठोर भी बनना पड़ता है, कभी साफ भी बनना पड़ता है, और चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो इतना आसान नहीं होता है, तो कई चीजें अच्छी लगते हुए कई बुरी लगती है फिर भी करना होता है। परंतु यहाँ पे जब आप रिसोर्स पर्सन से जब बात करेंगे, अपनी शेयरिंग करेंगे, या सभी लोग जब हमें बताएंगे, तो आप पाएंगे कि वो इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनका नॉलेज बेस इतना वृहद है कि हमें बिल्कुल अच्छे से सब चीजें समझ में भी आती है, और इतने प्रेम से आपसे अपनी सारी शेयरिंग, अपना प्रस्ताव और अपनी परेशानियां, अपने क्वेश्चन, उन सब का जो जवाब मिलेगा वो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों ने जब पहली बार वर्कशॉप अटेंड की थी, हम लोगों ने, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी के काफी लोग थे, मैं खुद था, मेरी पत्नी जो खुद भी प्रोफेसर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की है, उन्होंने, तब हम लोगों की बरसों की जो मान्यता या संस्कार बने हुए हैं, जिसके ऊपर कई बार हमने कभी प्रश्न भी नहीं उठाए और कई चीजों को हमने माना। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले उन्हीं मान्यताओं, उन्हीं संस्कारों में से कई संस्कार और कई मान्यताएं जो बहुत अच्छी है, उन पे और भी अच्छाइयां आगे बढ़ी। वो लगा कि हाँ, हमने नेचुरल एक्सेप्टेंस से, प्रस्ताव के माध्यम से उसको परखा, और हमें लगा कि ये मान्यता या ये मूल्य, ये भावनाएं, ये भाव हमें बहुत अच्छे लगे। कई मान्यता जो हमारे घर कर गई थी, जो वाकई में सही नहीं थी, उसके ऊपर डेंट भी लगा कि ऐसा क्यों किया हमने, गलत करते आ रहे हैं, और केवल उन्हीं मान्यताओं को मानना वो सही नहीं है। एक जैसे हमें दीदी ने भी बताया था अपने पिछले वर्कशॉप के बारे में, जब उनने अपना संस्मरण दिया था, कि सेल्फ और बॉडी, इन दोनों को वो देख ही नहीं पाते थे कि ये दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग है। इस वर्कशॉप के बाद में उनको पता लगा और कर पाए, उसको रियलाइज कर पाए। हम लोग गीता में पढ़े हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, परंतु उसको अनुभव करना और उसको समझना वो इतना आसान नहीं होता है। ये वर्कशॉप के माध्यम से हम उसको भी समझ पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि, जिसको हम बोलते हैं कि क्या होती है, तब हमें ये लगेगा कि हमें अपना रिक्वायरमेंट कितना है। क्रोध पे काबू पाना, राइट अंडरस्टैंडिंग करना, और कई बार हम एक जो अंतर नहीं समझ पाते कि हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये वर्कशॉप के बाद निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत आनंद का अनुभव होने वाला है, और जितना हम अभी तक किए हैं, निश्चित रूप से राज्य आनंद संस्थान बरसों से इस चीज को लेके आगे चल रहा है। और चूंकि मैंने भी इंदौर में मीटिंग अटेंड की थी, और अखिलेश जी या इंद्रपाल जी के द्वारा जब भी चर्चा हुई है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा है कि कई प्रोग्राम्स के माध्यम से, अल्प विराम के माध्यम से, हम पूरे मध्य प्रदेश में आनंद को और लेवल आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं। और इसी में यदि हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू AICT के माध्यम से इस पूरे 5 दिन की वर्कशॉप में जब हम चीजों को समझेंगे, तब हमें रिलेशनशिप के बारे में, फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, जैसा रजनीश जी ने पूरे भाव के बारे में बताया, तो हमें ये सब चीजें समझ में आने लगेगी। और
मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि जितने रिसोर्स पर्सन हैं, जैसा मैंने जिक्र किया कि उनका नॉलेज बेस तो बहुत स्ट्रांग है और हर चीज के बारे में प्रस्ताव के रूप में चीजें रखेंगे, एग्जाम्पल इतने अच्छे अच्छे और ज्यादा लेंगे जिससे कि कोई भी चीज वो थ्योरिटिकल कतई भी नहीं है, सब चीजें एकदम मन को छूने वाली, अंदर से प्रभावित करने वाली आपको लगेगी। तो वहां पे जब एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं जो गणेश जी हैं, उन्होंने कई बार यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की वर्कशॉप में जिक्र किया कि इस वर्कशॉप को करने के बाद आपको और हमें ये पक्का पता लगेगा कि ये हम आगे पासान कितने स्ट्रांग तरीके से करें, और उसके लिए जो है स्वयं पे कितना प्रभाव पड़ता है वो 5 दिन के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। मुझे ये लगता है कि आनंदक परिवार जो है वो बहुत पहले से सुलझा हुआ परिवार है, सब लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे व्यवहार करते हैं और सब लोग चाहते हैं कि आनंद की और बढ़ोतरी हो, सब में हो, और वो आनंद सब लोगों में बांटे भी। तो मुझे लगता है कि ये 5 दिन की वर्कशॉप उन लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी। मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी में जब हमने इसको लागू किया, तो हमने हमारे सभी बच्चों के लिए एक कोर्स UHV का लिया, हमारी जितनी फैकल्टी है उनको फिजिकल जो कर सकी उनको फिजिकल कराया, और कोविड के बाद में हमने ऑनलाइन के माध्यम से भी सब लोगों ने एक एक करके उस वर्कशॉप को अटेंड किया, जैसा हम 5 दिन अभी अटेंड कर रहे हैं वैसा बाकी लोगों ने भी अटेंड किया है। राज्य आनंद संस्थान के साथ में UHV पूरी टीम के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सतत रूप से, अभी जो 150 पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ और इसी के बाद में पूरे प्रदेश में जितने भी आनंदक हैं सबको ये वर्कशॉप, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ही लोगों में से, हम ही 150 लोगों में से जो राज्य आनंद संस्थान से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश की भूमि से हैं, और हम लोग अपने आप को रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप करेंगे और हमारे सभी आनंदक साथियों के बीच में इस पूरे कंटेंट को जब हम प्रसारित करेंगे तो उनकी और उनके परिवार की पूरी आनंद की अनुभूतियां और बढ़ेगी। ये मटेरियल जैसे राज्य आनंद संस्थान की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और इसी तरीके से AICT की वेबसाइट पे यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो ये मटेरियल भी पूरा अवेलेबल है, और कहीं कोई ऐसी जरूरत नहीं लगती है कि आपको अलग से कोई किताबें पढ़ना है या कुछ करना है। तो आप इन्हीं सभी के माध्यम से और इन पूरी 5 दिवसीय वर्कशॉप के लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरे, चूंकि मैं तो मध्य प्रदेश का ही हूँ, इसलिए मुझे पूरे मध्य प्रदेश की ओर से और राज्य आनंद संस्थान और AICT के माध्यम से पूरी सृष्टि को नमन करते हुए, और हम सब लोगों की आनंद की अनुभूति, हैप्पीनेस और आगे बढ़े इसी कामना के साथ सभी को धन्यवाद, नमस्ते।